Oh. चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग आज हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर के थेरम्स जो बोर्ड में आपके ट्वेल्व मार्क्स के लिए चैप्टर एलोटेड है वेक्टर काफी अच्छा खासा थेरम इसके अंदर है थेरम भी है और तीन एप्लीकेशन भी है सारी चीजें आज कवर करेंगे यहां पे रिलेटेड टू थेरम जो आपके प्रतीक ट्यूटोरियल ने थेरम सीरीज चालू की हुई है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं लेट्स स्टार्ट विद द थेरम नंबर वन पहले थेरम से स्टार्ट करते हैं Theorem number one let A bar and B bar are two non zero two non zero collinear factor. लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो स्टेटमेंट हम लिखते हैं पहले इफ एंड वाली इफ इफ एंड वाली इफ देयर एग्जिस्ट ए स्केल आर देर एग्जिस्ट अ स्केलर एम एन एन एटलीस्ट ये सेम आपको स्टेटमेंट आपके टेक्सट बुक में भी दी हुई है इसी तरीके से आपको आपके बोर्ड में भेगा एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो सच दैट एम टाइम ए बार प्लस एन टाइम बी बार इज इक्वल टू जीरो बार ये हमें प्रूफ करना है ना स्टेटमेंट को अगर मैं ध्यान से देखू आप यहां पे एक चीज पहले ध्यान से समझो सर ए, इफ एंड वल्ली इफ ये जो बाइकंडीशनल वाली बात है यहां पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूं जब भी आपको इफ एन वाली, इफ वाली बात आए तो आपने ध्यान देनी है कि ये वैक्टर है।, है? है तो आपने ये प्रूफ करना है कि प्लस एन टाइम बी बार जीरो है और अगर मैं ये बोलू कि ये पार्ट गिवेन है ये वाली पार्ट गिवेन है तो आपको ये प्रूफ करना है एग्जैक्टली exactly यहां पे दो प्रूफ करने हैं एक गिवेन एक प्रूफ पहला वाला प्रूफ तो दूसरा वाला गिवेन तो प्रूफ देखिए इस तरह से होगा मान लेते हैं कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो ध्यान में रखना नॉन जीरो नॉन जीरो का मतलब वेक्टर जीरो नहीं है कुछ तो कुछ मैग्नीट्यूड है कुछ ना कुछ डायरेक्शन है क्लियरली बोला है नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो कोलिनियर वैक्टर तो यहां पे हम ये मान के चलते हैं कि अपने को सर ये दिया हुआ है। गिवेन ए बार एंड बी बार आर नॉन जीरो कोलिनियर वैक्टर नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर वैक्टर दैट इज द वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल यानी मेरे पास दो वेक्टर है ये ए बार है और ये बी बार है अगर मैं कह रहा हूं दोनों को लीनियर सर तो यानी एक ही लाइन पे इस तरह से है दिख रहा है आपको यानी ए बार और बी बार को लीनियर है तो लाइक दिस वे एक ही लाइन पे यानी यहां पे क्या है एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ मल्टीपल होगा एक ही लाइन में कुछ मल्टीपल होगा सर यहां से ए बार और यही से बी बार तो गिवेन ए बार एंड बी बार आर नॉन जीरो कोलिनियर वैक्टर आई कैन से ए बार इज स्केल मल्टीपल ऑफ बी बार देफोर आई कैन राइट ए बार स्केल मतलब कोई मैग्निट्यूड होगा कुछ मल्टीपल होगा लेट आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन टेक हेयर टी टी एज ए स्केलर ए बार इज इक्वल टू टी बी बार वेर टी इज स्केल

एंड माइनस टी इज यथ रिप्लेस विद द द वन विद एंड माइनस टी विद द तो हमारा जो ये हो जाएगा टाइम ए बार प्लस टाइम बी बार इज इक्वल टू जीरो बार सर ये लीजिए प्रूफ हो गया आपने गिवन में लिया ए बार एंड बी बार आर टू नॉन जीरो वेक्टर और मैंने ये वाली पार्ट जो है आपको प्रूफ करके बता दी अब कॉन्वर्स कॉन्वर्सली कॉन्वर्सली मतलब सर अब ये कंसीडर करिए कि हमको ये दिया हुआ है हमारे पास दो स्केलर है और एटलीस्ट वन ऑफ इज नॉट जीरो मतलब इनमें से कोई एक तो नॉन जीरो होना चाहिए दोनों जीरो नहीं हो सकते अगर दोनों ही जीरो हो गए तो को वेक्टर बहुत ही डिफिकल्ट है या होगा ही नहीं ऐसा बोल सकते तो कॉन्वर्जली में हम क्या ले रहे हैं सर कॉन्वर्जली में मैं, मैं ले रहा हूं कि गिवेन हमें यह दिया हुआ है कि यम टाइम ए बार प्लस एन टाइम बी बार क्या है जीरो है सो so, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यम टाइम ए बार इज माइनस एन टाइम बी बार कैन आई राइट लाइक दिस ए बार इज माइनस एन अपॉन एम बी बार लेट कंसीडर दिस इज द स्केलर आर एन और यम स्केलर है तो इसके इससे कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको एक स्केलर वैल्यू मिलेगी सर इस स्केलर वैल्यू को हम कंसिडर कर लेते हैं कि सर ये टी ए ओके नाउ अब यहां पे आप देख सकते हो कि सर ए बार इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी बार दे फॉर ए बार एंड बी बार आर को लीडियर वैक्टर ध्यान में रखना यहां पे यम नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए सर ये दूसरी वाली बात आपने प्रूफ कर दी बहुत ही इजी थेरम्स और बोर्ड में कितने मार्क्स के लिए थ्री मार्क्स के लिए आपको एक पार्ट दिया हुआ है दूसरा पार्ट प्रूफ करना है दूसरे पार्ट को गिवर लेके पहला वाला पार्ट प्रूफ करना है इजी वन ऑफ द इजी थेरम और प्लीज राइट डाउन ये आपका पहला थेरम हो गया ठीक है स्टूडेंट नेक्स्ट थेरप क्यों जाते हैं थेरप नंबर टू ये स्टूडेंट स्टेटमेंट सेकेंड थेरम का स्टेटमेंट मैं आपको यहां पे लिख देता हूं और उसको उस थेरम के स्टेटमेंट को पहले समझेंगे एंड देन वी ट्राई टू सॉल्व द स्टेटमेंट ये है लेट ए बार एंड बी बार आर बी नॉन कोलिनियर वेक्टर a vector r bar is a coplanar with a bar and b bar if and only if there exist Unique scalar T one and T two such that our R bar is equal to T one time A bar plus T two time B bar. ये है हमारा अगला थ्योरम का स्टेटमेंट एग्जैक्टली exactly ऐसा ही थ्योरम आपके बोर्ड पेपर में होगा आपने सिर्फ दिमाग में रखना है इसको मेमोराइज कर लेना है थ्योरम के स्टेटमेंट को याद रखना है समझना है इजीली सॉल्व हो जाएगा फिर से वही बात सर यहां पे इफ एंड वल्ली इफ दिया हुआ है यानी बाई कंडीशनल व्हाट इज द बाई कंडीशनल मेरे ख्याल से मैथमेटिकल लॉजिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर बाय कंडीशनल में आपने सिखाया था पी डबल इंप्लाइज क्यू होता है तो पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी अगर पी दी हुई है तो क्यू प्रूफ करके बताइए और क्यू दिया हुआ है तो पी प्रूफ करके बताइए सेम एग्जैक्टली यही चीज हम यहां पे कर रहे हैं बाय कंडीशनल चीज को हम यहां पे फॉलो कर रहे आइए स्टेटमेंट को समझते हैं मान लेते हैं कि पहली वाली चीज दी हुई है ए बार एंड बी बार नॉन कोलिनियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोलिनियर सर इस तरह से नहीं है यानी कुछ इस तरह से है दोनों के डायरेक्शन अलग है दोनों के डायरेक्शन अलग है और ये पैरेलल भी नहीं है इस तरह से कुछ ये है नॉन कोलिनियर सर ये मेरा ए बार है और बी बार है हाँ बिल्कुल सही सर ऐसे ही होने चाहिए नॉन कोलिनियर अब कहता है कि आपको एक और वेक्टर है देर इज अनादर वेक्टर भाई ये तीसरा वेक्टर आ गया यहां पे, ये देखिए अब ये तीनों वेक्टर क्या करें? एक ही प्लेन पे है ये सर ये एक प्लेन है यहां पे इस तरह से ए बार जा रहा है इस तरह से बी बार जा रहा है और तीसरा इस तरह से आर बार यानी आर बार ए बार एंड बी बार यानी आर बार ए और बी बार के साथ क्या है एक ही प्लेन पे है हा एक ही प्लेन पे है तो आपको यह प्रूफ करिए और एक चीज यहां पर रखिए यूनिक बेसिकली आपको यहां पे तीन चीजें करनी है पहला तो अपने को यह लेना है कि ए बार बी बार नॉन कोलिनियर है आर बार एक को है तो आपको यह प्रूफ करके बताना है और दूसरी बात आपको यह दिया हुआ है तो आपको यह प्रूफ करना है कि आर बार ए बार बी बार के साथ को है और तीसरा यूनिक यूनिकनेस वट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक कहता है कि T1 और T2 को अगर आप रिप्लेस ही नहीं कर सकते हो अगर आपने रिप्लेस किया तो रिप्लेस की वैल्यू ही T1 और T2 होगी मतलब दूसरा कोई स्केलर है ही नहीं अच्छा क्या बात है चलो देखते हैं प्रूफ में आ जाइए प्रूफ में इधर आ जाते हैं सर पहले हम लोग ऊपर वाली बात ले लेते हैं इफ एंड वल्लीफ ये वाला इफ पार्ट होता है और ये वल्ली इफ पार्ट होता है इसे कहते हैं वल्ली इफ वाला पार्ट और इसे कहते हैं इफ वाला पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो इफ पार्ट एंड वल्ली इफ़ पार्ट आप ऐसे लिख सकते हो या डायरेक्टली सर यहां एक डायग्राम हम बनाते हैं कि ए और बी नॉन कोलिनियर वेक्टर है ये देखिए ये मेरे यहां से मैं एक फिक्स पॉइंट ओरिजिन सर यहां से एक ए वेक्टर जा रहा है ओ ए और यहां से मेरा बी वेक्टर जा रहा है ओ बी मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है ये ए बार का डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है बी बार का है तो ए बार ए बार इज अलोंग द ओ ए और बी बार अलोंग विद एलोंग विदी और फिर यहां पे कहता है कि आर बार इज अ को एक मैंने यहां पे आर बार ले लिया है आर बार मान लीजिए आर ले लो या पी ले लो कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है सपोज यहां पे मैंने एक पी ले लिया हम आर भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं तो यहां से ये कौन सा वेक्टर जा रहा है इस तरह से आप देखिए यहां पे? सर ये है मेरा आर बार ये तीनों एक ही प्लेन में कहां पे एक ही प्लेन में नाउ गोइंग टू डू सर मैं इस ओ ए बार के पैरेलल में एक यहां पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से सर ये एग्जैक्टली exactly किसके पैरेलल है ओ ए के पैरेलल है और ओ बी बार के पैरेलल में यहां एक सर ये जो है यहां एक पॉइंट नाम दे देते हैं ये मेरा बी बार है इसको हम नाम दे देते हैं मान लीजिए सर ये एम पॉइंट है और ये एन पॉइंट है तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो ओ एम है या ओ है एन पी के पैरेलल है और ये एम पी ओ बी या ओ एन के पैरेलल है एग्जैक्टली से नाउ दिस इज द ओ एम पी अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो क्या सिखा है पैरेललोग्राम हाँ सर याद है अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो क्या मैं ओ क्वाड्रिलेटरल ओ को पैरेललोग्राम बोल सकता हूं बोल सकते हो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना डायग्राम हमारा तैयार है बहुत ही इजी समझिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एकदम क्लियर ए और बी दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है पहले तो आप बताइए सर ए बार क्या है तो मैंने यहां पे लिखा लेट ओ ए बार इज माय ए बार एंड ओ बी बार इज माय बी बार विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ ओ इज माई फिक्स विथ रेस्पेक्ट टू ओ के हिसाब से ओ बी बार हो गया क्लियर है मान लीजिए कि ये मेरी एक्स e एक्सिस है और इसको हम वाई एक्सिस करके ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं मल्ली फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बिल्कुल ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस इफ यू यू कैन ऑब्जर्व सर मुझे एक्स एक्सिस पे दो वैक्टर दिख रहे एक दिख रहा है ओ ए बार और एक दिख रहा है ओ एम बार दोनों एक ही डायरेक्शन पे है तो क्या स्टूडेंट मैं ऐसा कह सकता हूं ओ एम बार एन ओ ए बार आर कोलिनियर वैक्टर ओ एम बार एंड ओ ए बार आर को लीडियर वैक्टर कैन आई ऑल्सो से ओ एम बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ ओ ए बार यस सर नाओम बार नाव अब यहां पर आपको एक स्केलर वैल्यू लेनी है तो आपने प्रूफ में ध्यान देना है कि ओ ए मतलब ए बार के साथ कौन सा स्केलर है तो हम यहां पर टी वन लेंगे टी वन ओ ए बार मेंशन करिए कि टी वन आपका स्केलर है ना ओ एम बार इज इक्वल टू टी वन ए बार सर यहां से मैंने ओ एम बार निकाल ली सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं ऑन वाई एक्सिस की बात करूं जिसको हमने इस एक्सिस को वाई एक्सिस ऐसे नाम दिया हुआ सिर्फ अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो क्या आपको दिख रहा है ओ एन बार एन ओ बी बार को लीनियर है को लीनियर वैक्टर तो सर ये ओ एन बार भी क्या हमारा स्केलर मल्टीपल होगा OB बार के लिए तो इसका स्केलर क्या लेना है यहां पे ध्यान दीजिए टी टू सर ये देखिए टी टू बी बार यानी हमारा टी टू क्या है बच्चों एक स्केलर वैल्यू है और हम इसको ओ एन बार इज इक्वल टू टी टू बी बार करके लिख देंगे Let put the equation number two, और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर वन एज आई टोल्ड यू आपको जब मैंने आर ये पी, पी पॉइंट लिया था तो मैंने क्या बताया था सर ये कौन सा क्वारिलेटर कौन सा है आप यह भी लिख सकते हो बाय एडिशन ऑफ एक्टर थोड़ा सा यहां पर आप लिख सकते हो या फिर आप लिखिए सर ये जो क्वाड्रिलेटरल है ओ एम पी एन इज अ पैरलेलोग्राम बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरलोग्राम सर क्या है लॉ ऑफ पैरलोग्राम डायगोनल इज समस्टेंट वैक्टर डायगोनल इज ये डायगोनल हो गया दिस इज द डायगोनल और सर ये इसकी दो एडजस्टेंट वैक्टर हो गई एक हो गया ओ एम बार और ओ एन बार तो यहां पे हमारा हो जाएगा सर ओ पी बार इज इक्वल टू सम ऑफ समस्टेंट वैक्टर तो पहला वैक्टर है ओ एम बार प्लस दूसरा है ओ एन बार नाउ व्हाट इज माय ओपी बार आर बार यहां पे आप चाहिए तो ऐसे लिख दीजिए सर ओपी बार इज इक्वल टू आर बार तो यहां पे हम लिख सकते हैं आर बार इज इक्वल टू ओ एम आ गया टी वन ए बार ओ एन आ गया टी टू बी बार हेंस प्रूफ यस सर ये प्रूफ हो गया ये आपका पहला पार्ट प्रूफ हुआ है विच पार्ट फर्स्ट पार्ट आपने क्या लिया हुआ है गिवेन में सर गिवेन में हमने ये लिया कि a B, B है कि ए एन बी बी नॉन को लिनियर वैक्टर और आर बार एक को प्लानर वैक्टर है विथ ए बार एंड बी बार तो हमने यहां पे प्रूफ कर दिया कि आर बार जो होगा इज अ टी वन टाइम ए बार प्लस टी टू टाइम बी बार अब यहां पे इफ वन लीफ में ये वाला पार्ट प्रूफ करना है वन लीफ वाला पार्ट तो हम यहां पे गिवन ले लेते हैं नाउ अब हम लोग गिवन लेंगे कि सर आर बार दिया हुआ है टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार और आपको यह प्रूफ करके बताना है कि ए एंड बी बार नॉन कोलिनियर वेक्टर है और आर बार इसके साथ को प्लानर है तो इफ यू रिमेंबर कि लीनियर कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आपको ये लग रहा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या मैं बोल सकता हूं सर ये जो आर बार है इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार स्टूडेंट ये आर बार जो है इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अब लीनियर कॉम्बिनेशन की मीनिंग क्या होती है को प्लानर आप ऐसा कह सकते हो कि लीनियर कॉम्बिनेशन की मीनिंग क्या होती है को प्लानर ये लीनियर कॉम्बिनेशन कब होगा जब वो तीनों वेक्टर आर बार ए बार ए बार और बी बार जब एक ही प्लेन में होंगे तो ही लीनियर कॉम्बिनेशन होता है हा या ना तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या हो गया को यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि ए बार बी बार और ये आर बार क्या है इज अ को प्लानर फोर आर बार ए बार बी बार आर को प्लानर वैक्टर देखिए प्रूफ हो गया यह भी आपका कॉन्वर्स वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया आप लिख दीजिए कॉन्वर्सली सर कौन सा वाला पार्ट आपने प्रूफ किया दूसरा वाला पार्ट बस आपने क्या वर्ड लिखा आर बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार और आपका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है को प्लानर तो सर लीनियर कॉम्बिनेशन को प्लानर मतलब आर बार ए बार बी बार के साथ क्या है एक ही प्लेन पे है अब पहला पार्ट प्रूफ हो गया दूसरा पार्ट प्रूफ हो गया सर ये वाला पार्ट जो आपने कहा यूनिक इसको एक बास है अगर आपने ये पार्ट नहीं प्रूफ किया तो मान लीजिए कि अगर ये थेरब में फोर मार्क्स के लिए आपको पूछ रहा हूं तो यहां पे यूनिकनेस के लिए कितनी मार्क्स अलॉट होगी वन मार्क्स आपको एक मार्क्स के लिए यह यूनिकनेस को लिखना पड़ेगा यूनिकनेस का मीनिंग क्या है भाई यूनिक टी वन टी टू की जगह कोई नहीं ले सकता है यह आपको बताना है अच्छा अब हमारा आर बार है टी वन ए बार टी टू बी बार मान लीजिए मेरा ये पहला ही क्वेश्चन है मैं क्या कर रहा हूं सर मैं ये स्केल आर को ना रिप्लेस कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि टी वन के जगह पे यस वन ए बार और टी टू के जगह पे यस टू बी बार ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है मैं कह रहा हूं कि टी वन के जगह पे यस yes वन आ गया सर टी टू के जगह पे और आपको यही बताना है कि टी वन के जगह पे यस yes वन तो आया सर पर टी वन यस वन ही है यानी वैल्यू चेंज वो यन की वैल्यू टी वन ही आएगी आपको ये दिखा रही है तो ठीक है अभी इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को मैं क्या करता हूं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं वन में से टू को सब इक्वेशन वन में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इक्वेशन टू को तो जब वन में से टू को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आर बार आर बार क्या हो जाएगा जीरो बार हो जाएगा टी वन में से यस वन घट जाएगा और यहां पे ए बार आ जाएगा T2 में से S2 yes, घट जाएगा B बार आ जाएगा अब इक्वेलिटी ऑफ वैक्टर इक्वलिटी ऑफ वैक्टर वट इज द इक्वेलिटी ऑफ वैक्टर दो वैक्टर कभी इक्वल हो गए जब यहां पे इसका कोई फिश है डिस्के कोई फिश अब यहां पे जीरो बार है सर तो ये जीरो बार को हम ऐसा भी तो एज्यूम कर सकते ना जीरो ए बार जीरो बी बार इज इक्वल टू जीरो बार तो बताइए ए बार और ए बार तो क्या होगा इक्वलिटी ऑफ टू वैक्टर से सर यहां पे हम t1 वन माइनस एस वन इक्वल टू जीरो एंड टी टू माइनस एस टू इक्वल टू जीरो इसका मतलब t1 वन इज इक्वल टू एस वन एंड टी टू इज इक्वल टू आपने जो रिप्लेस किया रिप्लेस करने के बाद भी वो यस वन यस टू किसके बराबर यस वन टी वन के बराबर है और यस टू यानी देर एग्जिस्ट यूनिक स्केला टी वन एंड टी टू यह रहा आपका यूनिकनेस पार्ट इज इट क्लियर अंडरस्टूड प्लीज राइट डाउन कॉपी करो फटाफट इसको ओके स्टूडेंट्स लेट्स कम फॉर द थेरम नंबर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थेरम्स बोर्ड के लिए पढ़ के जाना कोई भी दो थेरम या एक तो डेफिनेटली आता ही आता है नहीं आया तो मेरे घर पे बता जाना बराबर ना हाँ चलिए थेरम नंबर थ्री उसका हम स्टेटमेंट बच्चों लिख लेते हैं और ये देखिए आपके बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ है थ्री वेक्टर ए बार बी बार एंड सी बार आर को प्लानर इफ एंड वनली इफ क्या बात है बाय कंडीशनल सर दो कंडीशन आ गए वापस बाय कंडीशनल इफ एंड वनली इफ

ध्यान से देखिए फिर से इफ एंड वल्लीफ पार्ट है मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं जब भी इफ एंड वल्लीफ पार्ट आया तो सर दो बार प्रूफ करना है दो बार प्रूफ मतलब इसको दो बार नहीं लिखना है ये गिवन है तो ये प्रूफ करना है और ये गिवन है तो ये प्रूफ यानी इफ एंड वल्लीफ के दो पार्ट है एक पार्ट को आपको गिवेन लेके चलना है और दूसरे पार्ट को आपको प्रूफ करना है तो सेकेंड वाले पार्ट को गिवेन लेना है तो पहले वाले पार्ट को प्रूफ करना है अभी ध्यान से देखिए पहला वाला पार्ट हम ले रहे हैं ए बी सी आर को प्लानर मीनिंग ऑफ दिस सर ये तीनों ही वेक्टर एक सेम प्लेन में है ठीक है फिर से वही बात कि सर ये तीनों वेक्टर इसी प्लेन पे है इस तरह से सर यहां तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है अगर तीन वेक्टर एक प्लेन पे है, और इसमें से एनी टू वेक्टर कोई भी दो वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर क्या हो जाए Linear. तब भी क्या एक ही प्लेन में हाँ सर तब भी एक ही प्लेन पे है तो अब आप मेरा केस के, पहला केस कि कोई भी दो वेक्टर को है तो आप प्रूफ करके बताइए कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे ये आप प्रूफ करके बताइए बार प्लस वाई टाइप बी यहां पे जो एक्स वाई है अच्छा ये थोड़ा सा थ्योरम विथ इसके आगे ये भी आएगा विथ विथ x वाई जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो यानी इसकी मीनिंग ये है यस वाई जेड स्केलर वैल्यूज है और इन तीनों में से एटलीस्ट कोई एक तो क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना होना चाहिए एक्स वाई जेट में से कोई एक तो नॉन जीरो होने चाहिए तभी यह लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अगर तीनों वैक्टर जीरो हो गए तो बताओ क्या हो जाएगा So, कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी सर अपने कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं दिखेगा तो ये वाली पार्ट इसमें ऐड कर दीजिए अब जाके ये हमारा जो है एकदम कंप्लीट हुआ ठीक है तो मैंने जैसे कहा तीन दो केसेस लेना है एक केस में हम ये बताएंगे कि मेरे जो तीनों वेक्टर हैं या तो नॉन कोलिनियर है या फिर एनी टू वेक्टर आर कोलिनियर है तो चलिए प्रूफ करते हैं गिवेन वाले पार्ट में हम ये ले लेते हैं कि थ्री वेक्टर ए बार बी बार एंड सी बार आर को प्लानर ठीक है अब यहां पे केस वन पहला केस मैंने क्या बोला पहला केस में एनी टू वेक्टर आर को लेट एनी टू वैक्टर आर कोलिनियर मान लीजिए कि कोई भी दो वैक्टर कोलिनियर है ए बार बी बार ले लो या बी बार सी बार ले लो या ए बार सी बार मतलब सिचुएशन आप ये कह रहे हो कि सर ऐसे दो वैक्टर है ये तीसरा वैक्टर ये इन दोनों में किसी एक के क्या है कोलिनियर है ठीक है एनी टू वैक्टर आर कोलिनियर तो मैं यहां पर एक काम करता हूं ए और बी बार को मान लेते हैं क्या है कोलिनियर है लेट ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर वेक्टर हाँ हां सर इनको आपने कोलिनियर वेक्टर मान लिया अगर ये कोलिनियर वेक्टर है अभी ध्यान से सुनो ये ए बार और बी बार है अगर ये दोनों कोलिनियर वेक्टर है तो व्हाट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा जीरो सर लीनियर कॉम्बिनेशन तीसरा वेक्टर कब बनेगा जब ये दोनों ऐसे होंगे अगर एक ही पे को लीनियर है तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक्स टाइम ए और प्लस वाई टाइम बी यस क्या हो जाएगा जीरो बार हो जाएगा सर अरे आप ही ने तो कहा कोलियर है ना ये देखिए सर तीसरा वेक्टर कब बनेगा तीसरा वेक्टर प्लेन में कब आएगा जब ये नॉन कोलियर अगर ये कोलिनियर है ना सर तो ये

एक्स टाइम ए बार प्लस वाई टाइम बी बार प्लस जीरो टाइम सी बार इज इक्वल टू जीरो क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन में व्हाट इज द y जेड सर एक्स तो एक्स ही है वाई तो वाई जेड क्या है जीरो ठीक है ना तो जेड इसमें जीरो हुआ क्या बात समझ में आ रही है एक्स एंड वाई तो नॉन जीरो है ना जीरो हो गया कोई बात नहीं सर आपने कहा कि एक्स वाई जेट में एटलीस्ट कोई तो एक क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए तो ये हमारी रिक्वायर्ड सोल्यूशन है फॉर अ लीनियर कॉम्बिनेशन अगर एडिट टू वैक्टर आर को नहीं आइए केस टू यहीं पे लिख दू क्या केस टू अच्छा केस टू में क्या बोला था मैंने लेट ए बार बी बार सी बार आर नॉन कोलिनियर वैक्टर ए बार बी बार एन आर नॉन कोलिनियर वैक्टर अब अगर ये तीनों नॉन कोलिनियर वैक्टर है इसका मतलब क्या हो गया सी बार आएगा सर ये ए बार आया ये बी बार आया और ये सी बार तो क्या मैं बोल सकता हूं सी बार इस ए बार और बी बार का क्या हो जाएगा को प्लानर हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा नहीं हां तो क्या होगा बताओ और क्या यहां पे ए बार बी बार सी बार और को दिया हुआ है तो नॉन कोलिनियर वेक्टर है तो को हो गया चलिए अगर को प्लानर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था सर को प्लानर को लीडियर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं यस और नो तो सर यहां पे ए बार बी बार एंड सी बार आर को प्लानर तो इसमें से कोई भी एक वेक्टर ले लो को प्लानर को हम सर लीनियर कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं यह बात हमेशा थ्योरम में याद रखना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट को कोई भी एक ले लो ए बार बी बार मान लो मैंने सी बार को उठाया तो क्या मैं बोल सकता हूं सी बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार तो सर अगर सी बार इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो आपने डेफिनेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन का लगाया था कि सी बार कुछ स्केलर मल्टीपल होगा ए बार का प्लस बी बार का तो यहां से उठानी आपको ए बार या स्केलर क्या लेना है क्या लिखा हुआ है पे एक्स e तो हम ऐसे लिखेंगे बी बार नाउ टाइम ए बार प्लस वाई टाइम बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू जीरो बार एक्स टाइम ए बार प्लस वाई टाइम बी बार प्लस माइनस वन सी तो ये हमारा क्या हो गया सर ये z हो गया तो वट इज वाई जेड विथ एक्स वाई जेड सर एक्स एक्स ही होगा वाई वाई होगा z क्या हो जाएगा माइनस वन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ठीक है क्या मैंने दोनों केसेस से यह वाली पार्ट प्रूफ कर दी कि लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए जो एक्स वाई जेड नॉन एटलीस्ट वन कोई नॉन जीरो होने चाहिए देर एग्जिस्ट नॉन जीरो लीनियर यानी एक ना एक तो जीरो नॉन जीरो होना चाहिए सर हां यहां पे देखिए एक्स एंड वाई कुछ बैक डी ये जीरो हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं सर दो तो है यहां पे भी देखिए आइए कॉन्वर्स वाली बात कौन सी वाली बात कॉन्वर्सली अब कॉन्वर्सली में गिवन क्या लोगे स्टूडेंट ये गिवन लेंगे ये हमारा गिवन है ये बात हमें दी हुई है x ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू जीरो नाउ आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस वे जेड सी बार इज इक्वल टू माइनस एक्स ए बार माइनस वाई बी बार जेड से सबको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा सी बार माइनस एक्स अपॉन जेड ए बार माइनस वाई अपॉन जेड बी बार क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस एक्स अपॉन जेड ए बार प्लस माइनस वाई अपॉन जेड बी बार क्या ये एक स्केलर वैल्यू है क्या ये भी स्केलर है हाँ सर तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सी बार इज इक्वल टू लेट टी वन ए बार प्लस टी टू बार यहां पे आप बता दीजिए कि आपने टी वन माइनस एक्स अपॉन जेड लिखा है और टी टू माइनस वाई अपॉन जेड ध्यान में दिमाग में रखना ध्यान में रखना कि जेड जीरो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है एक्स वाई जेड नॉन जीरो तो इनमें से तीनों में से यहां पे z मेंशन करेंगे नॉट इक्वल टू जीरो ना चाहिए सर ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया क्या बन गया क्या c बार इज लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया किसका कौन से दो वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहा है a बार एंड बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a बार एंड b बार तो जब ये सी बार तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है को प्लानर सर इसका मतलब तीनों एक ही प्लेन पे है तभी तो लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। सर तभी तो वेक्टर एडिशन या फिर सो लॉल यूज हो जाएंगे हाँ सर तो यहां पे हम डायरेक्टली देखें देर फोर ए बार बी बार एंड सी बार आर को प्लानर प्रूफ आप बात है सर बहुत ही जबरदस्त हेडराइटिंग दिख रही है क्लियर है कोई कंफ्यूजन सर यहां पे दो केसेस याद रखने हैं। पहले केस में कोई भी दो वेक्टर को ले लेना है दूसरे केस में नॉन कोलिनियर लेना है तो को प्लानर हो जाएगा ठीक है या फिर डायरेक्टली को प्लानर ले लेना को प्लानर में याद रखना लीनियर कॉम्बिनेशन चलिए फटाफट इसको कॉपी करिए प्लीज स्टूडेंट राइट डाउन चलिए पहले जो फोर्थ थ्योरम हम कर रहे हैं स्टूडेंट थोड़े से थेरेटिकल पार्ट है पढ़ना है आपको समझना है और लिखना है और अगले जो चार थ्योरम हम करेंगे दैट इज वेरी इजी मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेक्स्ट चार वाले से ही पूछते हैं बट ये चार भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको दो पार्ट में कर सकते हो फर्स्ट फ्लोर एंड नेक्स्ट फ्लोर पहले चार दूसरे चार पढ़ के तो सभी जाने हैं जो वीक स्टूडेंट है या जो स्ट्रॉन्ग है तो पढ़ के सब जाओ वीक वाले अगले चार पढ़ के जाओ कुछ तो कुछ तो पढ़ के जाओ चलिए अगले थेरम को हम लोग लिखते हैं थेरम नंबर फोर इफ ए बार बी बार सी बार आर थ्री वेक्टर three non coplanar vector then any vector r bar in this space can uniquely फिर यहां से ही निकली बढ़ा है इसको अंडरलाइन कर लेना है एक्सप्रेस्ड एज लीडियर कॉम्बिनेशन ए बार बी बार एंड सी बार सच दैट आर बार इज इक्वल टू एक्स टाइप ए बार वाई टाइप बी बार z टाइप सी बार ये आपको प्रूफ करना है बहुत अच्छी बात ये है अच्छी बात ये है कि यहां पे सर इफ एंड वन लीफ वाला पार्ट नहीं है है क्या नहीं है सर यादि आपको डायरेक्टली ये वाली बात प्रूफ करनी है और दूसरी बात आपको ये प्रूफ करनी है कि सर ये यूनिकली मतलब यहां पे जो स्केलार इस, है जेड ये यूनिक है इनको चेंज नहीं किया जा सकता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने थ्योरम नंबर टू पे देखा था एक्स टी वन टी टू को हमने यस वन यस टू से रिप्लेस किया बट सर क्या आया टी से, वैल्यू सेम आया व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थ्योरम इसमें क्या चीजें देखनी है सर पहले तो आप ये देखिए कि आपके पास तीन वेक्टर है और तीनों भी एक प्लेन में नहीं है यानी क्या है नॉन को मतलब दो हो सकते बट तीनों नहीं है तो एक हम डायग्राम बनाते हैं यहां पे उसको देखते हैं कि सर कैसे तो सी यहां पे ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं। ये मान लीजिए मेरी फिक्स पॉइंट ओ है और यहां से मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं प्लस जेड सी पार थोड़ा इसको छोटा लिखते हैं याद देखिए मान लीजिए ये ओ से एक वेक्टर जा रहा है एलोंग टू ए ये है हमारा ए बार इसे एक्स एक्सिस पे सर ओ से ये मान लीजिए वाई एक्सिस है यहां पे अलोंग टू एक्सिस ये बी है इसे आप बोलेंगे बी बार इसकी डायरेक्शन में यहां पे बना दे रहा हूं ए बार बी बार और ये z एक्सिस पे ये है और यहां पे c ले लेता हूं c पर अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी तीन वेक्टर एक ही प्लेन में नहीं है है क्या सर ये a बार और b बार अगर एक प्लेन पे है तो c बार नहीं है a बार c बार है तो b बार नहीं है b बार c बार है तो ए बार नहीं है मतलब ये तीनों क्या है को और यहां पे एक आर बार लेते हैं इन द स्पेस इन द स्पेस मतलब जो ये कॉर्नर है तो यहां पे एक पी। तो ये देखिए सर ओ वाला पॉइंट ये है सर इसको पी करके ले लेते हैं और इसको ज्वाइंट करने पे ये क्या हो जाएगा सर ये आर बार हो जाएगा यानी जो स्पेस में पे है ठीक है अब आपने क्या करना है थोड़ी सी नामकरण यानी नेमिंग करनी है पहले तो हम नेमिंग करेंगे इन पॉइंट्स को जो एक्स पे ये हमने ड्रॉ किया हुआ है मान लीजिए सर ये एम कोऑर्डिनेट है ये एम एन करके हम दे देते हैं सर इसको एल ले लीजिए आप कुछ भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसको एल दे दिया इसको यब दे दिया और इसको यद दे दिया ठीक है और ये बचे हुए पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं सर इसको हम नाम दे देते हैं Q, और इसको नाम दे देते दे हैं R, और इसको नाम दे देते दे हैं यस yes. अब ये, ये नाम आप ऑन द स्पॉट भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं बस अपने को सिर्फ ये पता चले कि भाई कौन सा वेक्टर कैसा है उसको एक नाम से बुला सके आइए अब इस डायग्राम के बारे में जो आपने लिखा हुआ है ना पहले आप बताइए कि ओ ए बार हमारा ए बार है ओ बी बार के अलोंग बी बार है ओ सी C बार है विध रेस्पेक्ट टू ओ ये सब आपने किससे लिया विथ रेस्पेक्ट टू यानी आपका ये इनिशियल पॉइंट है जहां से ये सारे वैक्टर्स निकल रहे हैं. तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार एट ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार और यहां पर ओ पी बार को हम ले लेते आर बार विथ रेस्पेक्ट टू ओ ये सारे डायरेक्शन हमने विथ रेस्पेक्ट टू ओ कंसिडर किया हुआ है. अब आपको तीन एक्सिस दिख रहे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एट जेड एक्सिस वन बाई वन पहले हम लोग किस एक्सीस की बात करेंगे ऑन एक्स एक्सिस यहां पर लिख देता तो हूं मैं ऑन एक्स एक्सिस आप बताइए कौन से दो वेक्टर को लीनियर है सर इस पर दो वेक्टर दिख रहे हैं. एक ओ एल बार एक ही डायरेक्शन में है और दूसरा ए बार क्या मैं बोल सकता हूं ऐसा ये यह यहां पे लिखता हूं ये ऑन एक्स एक्सिस सर कौन से दो वेक्टर ये एक्स एक्सिस पे ध्यान दीजिए O L bar and O A bar सर ये क्या है R collinear vector है सर तो अगर ये collinear vector है जिसका मतलब O a, L bar is a scalar multiple of O A bar होगा तो क्या सर मैं ऐसा बोल सकता हूं ओ एल e, बार अब यहां पे हमको इसको कुछ स्केलर लेना है तो यहां पे ध्यान देने का क्या इसके साथ तो सर ये e लीजिए और बता दीजिए एक्स e क्या है मेरा स्केलर केरा राइट ओ एल e इज एक्स e टाइम ए बार सर इसको देख के क्या मैं सिमिलरली वर्ड यूज करूं जैसे आपने e -X के लिए लिखा है वैसे ही आप Y के लिए लिखेंगे और वैसे ही आप तो यहां पे हम लोग सिमिलरली वर्ड का इस्तेमाल सिमिलरली शब्द का इस्तेमाल करके सीधा लिख देंगे क्योंकि एक आपने पूरी सिद्धत से सिखाई है तो आगे के जो सिमिलर होते हैं आप सिमिलरली वर्ड इस्तेमाल कर लो कोई दिक्कत नहीं है तो सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस आप वाई एक्सिस पे कौन से दो वेक्टर दिख रहे हैं आपको को बस इतना बता दीजिए सर ओ एम बार और क्या आप बोल सकते हो ओ एम बार एन ओ बी बार आर को लिनियर कैन यू डायरेक्टली राइट डाउन वट इज द ओ एम बार सर ये देखिए वाई बी बार डायरेक्टली आप ऐसा लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है बस यहां पे बता दीजिए वाई क्या है वाई इज अ स्केलर नाउ व्हाट इज द ऑन जेड एक्सिस सर जेड एक्सिस पे ओ एन और ओ सी बार आर को लीडियर वैक्टर तो आप डायरेक्टली सर लिख लीजिए ओ एन बार इज इक्वल टू जेड सी बार ये इक्वेशन नंबर थ्री जेड इज अ स्केला ठीक है अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है कंस्ट्रक्शन देखिए क्या करना है आपको ये ओ और क्यू को ज्वाइंड करना है इसको आपको क्या करना है सर ज्वाइन करना है किसको ओ से क्यू तो ये एक डायरेक्शन हो गया ओ क्यू अब ध्यान से देखिए आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे पहला ट्रायंगल है ओ एम क्यू ये ट्रायंगल नंबर वन और दूसरा ट्रेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ओ क्यू पी यह है ट्रेंगल नंबर टू ओ एम क्यू फिर क्या है ओ ओके क्या आपको तीन ट्रैंगल दिखाई दे रहे और सॉरी दो ट्रैंगल तो पहला ट्रैंगल अब लोग लिखते हैं इन ट्रैंगल ओ एम क्यू बाई यूजिंग ट्रैंगल लॉ कौन सा लॉ लगा रहा है क्या बताया था ट्रेंगल लॉ में सर आपने ट्रेंगल लॉ में बताया था मान लीजिए आपको ओ क्यूब आर चाहिए सो दिस इज द वन वे टू ओ से क्यू जाने का यह एक रास्ता है दूसरा रास्ता क्या है ओ से यम क्यूर आई है सर और यम से क्यू क्यूर आइए क्या मैं ओ क्यूब आर को यारी ओ से क्यू पहुंचा एक रास्ता हो गया एक डायरेक्शन हो गया सर व्हाट इज द अनदर डायरेक्शन टू रीच क्यू हां ओ से एम बार प्लस एम टू इसको दे दो इक्वेशन नंबर फोर नॉट टेक अनदर ट्रैंगल इन ए ट्रैंगल ओ पी क्यू जैसा भी लिखना चाहो लिख दो कोई दिक्कत ओ पी क्यू अगेन बाय यूजिंग ट्रैंगल लॉ सर आप ट्रेंगल लॉ क्या लगाना है सर यहां पे ओ क्यू बार है यहां पे भी ओ क्यू बार है मुझे ओ क्यू बार यहां पे भी चाहिए आगे निकलिए ओ क्यू बार सर अब यहां से यहां तक आने का दूसरा रास्ता क्या है ओ टू पी पी टू क्यू ओ पी बार प्लस या एक काम करते हैं सर हमको आर बार चाहिए ना ओपी बार निकालिए ना डायरेक्ट और उसमें ओ क्यू बार सब्सटीट्यूट कर देंगे व्हाट इज द ओ पी बार ओ क्यू बार प्लस क्यू पी बार इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फाइव अब ये ओ क्यू जो आपने निकालना है आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए तो बताइए ओपी बार क्या हो जाएगा ओ ओएफ बार प्लस एम क्यू बार प्लस क्यू पी बार सब्सटिट्यूट कर दिया सर ये ओ एम बार तो मुझे यहां पे दिख रहा है ये तो आ गया सर ओपी बार क्या है आर बार है ये जरा एम क्यू को देखो आप ये किसके पैर है क्या क्यू पी एन के पैरल है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं हा या ना तो यहां या क्या मैं बोल सकता हूं सर यम क्यू बार किसके पैरल है ओ एन बार के ये देखो ना हाँ या ना? तो क्या यहां पर क्यू बार को रिप्लेस करके मैं ओ एन बार लिख सकता हूं QP किसके पैरल है हा आ, हा आ, आ, एक मिनट एक मिनट यम क्यू सॉरी सॉरी ये -Q नहीं है सर ये गलत हो गया गलत हो गया हाँ यम क्यू की बात कर रहे हैं ना हम लोग तो सर यम क्यू किसके पैरल है किसके पैरल है सर ओ यल के पैरल है आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो कोशिश भी नहीं करूंगा मैं तो इसका मतलब यम क्यू बार को मैं रिप्लेस कर सकता हूं ओ एल बार से एंड एंड अब देखो क्यूपी बार सर ये क्यूपी बार पैरेलल है तो आप यहां पे क्यूपी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो अब मैं ऐसा लिख दू नाउ नाउ ओपी बार इज इक्वल टू ओ एम बार प्लस ओ एल बार प्लस ओ तो ओपी बार क्या मेरा आर बार एम बार क्या देखो और ये क्या है और ये Z. बस इसको अरेंज कर दो X टाइम A बार Y टाइम B बार Z टाइम्स ये बिल्कुल ना थेरम नंबर टू जो आपने किया था ना वैसा ही है कुछ या ना अब क्या रह गया है यूनिकनेस सर ये देखिए यहां पे, यहां पे मैं प्रूफ कर देता हूं यूनिकनेस सर एक मार्क्स के लिए बोर्ड में ये आता है तो यही लिख के मत आना ये प्रूफ करने के बाद ही लिखना सर यूनिकनेस में हम आर बार को ले लेते हैं एक्स टाइम ए बार वाई टाइम बी बार जेड टाइम सी बार इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर वन अब एक्स, वाई जेड के जगह पे मैं कोई दूसरा स्केलर ले लेता बोलो कौन सा स्केलर ले लू एक्स डेस वाई डैस जेड डेस ले लू हाँ सर ऐसा ले लीजिए वाई डैश बी जेड डैश सी इक्वेशन नंबर टू सर इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए सब कर दीजिए तो आर में से आर गया जीरो बार बताओ इसमें से इसमें जाएगा तो क्या आएगा सर यहां पे आएगा एक्स माइनस एक्स डैस ए बार वाई माइनस वाई डैश बी बार जेड माइनस डैश सी बार अगर मैं बाई इक्वलिटी ऑफ वैक्टर का इस्तेमाल करूं बाई इक्वलिटी ऑफ टू वैक्टर तो क्या ये जितने भी आपने कोल आ रहे सब इक्वल टू जीरो जाएंगे तो इसका मतलब x माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई माइनस वाई डैस इक्वल टू जीरो एंड जेड माइनस जेड इक्वल टू जीरो तो यहां से एक्स एक्स डैस आ जाएगा एंड वाई वाई डैस आ जाएगा एंड जेड इक्वल टू तो सर क्या प्रूफ हो गया ये यूनिकनेस प्रूफ हो गया मतलब ये वाई जेड को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो और अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो वही वैल्यू है सर ये है आपका थेरम नंबर फोर तो ये अगले चार थेरम जो आपने किए हैं पूरा थ्योरी पार्ट है बच्चों आराम से जैसे मैंने लिखा है एग्जेक्टली exactly इसी वे से लिखिए कोई दिक्कत नहीं है आपको फुल क्रेडिट पूरे मार्क्स मिलेंगे डायग्राम में जो आपने नेमिंग किया है आप चेंज कर सकते हो नाम चेंज करो बट लिखते वक्त ध्यान रखना है कि भाई कैसे आपने किया है ट्रायंगल लॉ भी इस्तेमाल किया है ठीक है प्लीज़ राइट डाउन ओके स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन अगली जो फोर्थ थेरम अब मैं आपको कराने वाला स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे से करना हर कोई आपको बोलेगा ये थेरम जरूर करके जाना इजी है और यहां से ये थेरम आप देखोगे लास्ट ईयर जुलाई में या तो मार्च में डेफिनेटली पूछा होगा इंटरनल एक्सटर्नल आपको बोलेगा करके जाना बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल थेरम और उसके बाद दो डिराइव दिर, करेंगे वैल्यूम ऑफ पैरलोपाइप और वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन और आपका थेरम जो हो जाएगा पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा ये थेरम नंबर फाइव ये आप ऐसे बोल सकते हो ये सेकेंड के थेरम से और इनको जरा अच्छे से समझना है पहले मैं थेरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं ये है थेरम नंबर फाइव इंटरनल डिवीजन इसका स्टेटमेंट देखिए लेट ए ए बार एंड बी बी बार बी एनी टू पॉइंट ऑनलाइन सेगमेंट या बी एनी टू पॉइंट्स In the space, and R R bar, be a point. Be a point on line segment A B, dividing it. Internally in the ratio M is to N, then prove that then prove that R bar is equal to. टाइम बी प्लस यन टाइम ए बार डिवाइड बाय प्लस एन सर ये इतना बस आपने याद रखना है इसको देख के आप समझ जाओगे सर इंटरनल थेरब है इंटरनल डिवीजन है नहीं इंटरनल डिवीजन का है बस आपने प्लस को ध्यान में रखना है और आर बार इज इक्वल टू इंटरनल डिवीजन बस ये याद रखना है और यहां पर याद रखना सेगमेंट ए बी चेंज नहीं कर देना ए बी में इज द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज द टर्मिनल पॉइंट जो पहला पॉइंट है उसको इडिशियन बोलेगा दूसरा वाला जो है वो टर्मिनल सर कैसे सॉल्व करें बहुत ही इजी आप यहां पे पहले एक तो डायग्राम बनाइए और इस डायग्राम को इस तरह से याद रखिए उल्टा ट्रेंगल कैसा ट्रेंगल उल्टा उल्टा ट्रेंगल नहीं है उल्टा 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 मतलब सर ट्रेंगल हम ऐसे बनाते हैं यहां पे हम ट्रेंगल ऐसे बनाएंगे और ट्रेंगल से पहले देखिए कहता है कि मेरे पास दो पॉइंट है और उस दो पॉइंट को तीसरा पॉइंट आर है जो ए बी सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है यानी यहां पे मैं एक सेगमेंट ले रहा हूं सर इस सेगमेंट का पहला पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी और तीसरा पॉइंट आर है जो यहां पे इसको डिवाइड कर रहा है और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सर यहां से यहां तक म पार्ट में डिवाइड कर रहा है और यहां से यहां तक पार्ट में डिवाइड कर रहा है अब यहां पे एक पॉइंट लेते हैं फिक्स पॉइंट मान लीजिए ओ ये देखिए इसको ज्वाइन करिए इस पॉइंट को ज्वाइंट करिए इस पॉइंट को ज्वाइंट करिए प्रॉपर ट्रेंगल बनाइए ठीक है तो सर ये ओ से ए बार हो गया ये ओ से आर बार हो गया ये ओ से बी बार हो गया ये हो गया आपका उल्टा ट्रेंगल ओ ए बी आर आप इस ट्रेंगल को सिर्फ इतना बता दीजिए सर ओ ए बार क्या है ए बार है ओ बी बार मेरा क्या है बी बार और ओ आर बार इज इक्वल टू आर बार विथ रेस्पेक्ट टू इतना लिख देना अब ध्यान से देखिए आर ए बी को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है कैसे डिवाइड कर रहा है सर ए और बी के अंदर है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है अगर एक्सटर्नली होगा तो ए बी के ये बाहर इस तरफ या इस तरफ किसी तरफ यहां पे सर आर इज डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली रेशियो यम इज टू एन मतलब ए से आर ये एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया आर से बी यानी यहां पे जो ए आर का ये ए बी सेगमेंट दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया पहला सेगमेंट ए आर दूसरा सेगमेंट आर तो ये ए आर सेगमेंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ सेगमेंट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया यम और आरबी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया तो ए आर डिवाइड बाई आरबीजल टू यम बाय तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एन टाइम ए आर इज इक्वल टू यम टाइम ध्यान से देखना मैंने अभी तक वेक्टर का इस्तेमाल नहीं किया मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं अब यहां पे हमको वेक्टर को इंट्रोड्यूस करना है बता सकते हो क्या होगा सर ए से आर आर से बी क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है सर लिखिए यहां पे ये जो मैं लाइन लिख रहा हूं ना बोर्ड में यहां आकर बोर्ड की अपना बोर्ड कैसे मार्क्स देता है सर स्टेप वाइज मार्क देता है सभी बच्चों को पता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं सर वी नो कि स्टेप मार्किंग होता है तो अब मैं जो स्टेप लिख रहा हूं ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है बोर्ड यहां पे एक मार्क्स आपको देता है ध्यान से देखिए इस मार्क्स इस लाइन को एक मार्क्स अलॉट करके रखता है ए आर बार एंड आर बी बार हैविंग सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड क्या दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं हाँ या ना और उनकी मैग्नीट्यूड भी देखिए यहां पे एन टाइम ए आर इज इक्वल टू एम टाइम आर बी सेम है यस और नो तो अब मैं इस वाली बात को क्या ऐसे लिख दून ए आर बार इज इक्वल टू एम आर बी बार ना वट इज द पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं सर इसका पोजीशन वेक्टर तो आर का पोजीशन वेक्टर आर बार ए का पोजीशन वेक्टर तो व्हाट इज द ए आर आर बार माइनस ए इसका सर ये इनिशियल टर्मिनल टर्मिनल में से इनिशियल के वेक्टर को घटा दीजिए सर टर्मिनल का पोजिशन वेक्टर है बी बार उसमें से आर बार ये हो गया आर बी बार का पोजिशन वेक्टर अब इसको मल्टीप्लाई करिए एन टाइम आर बार माइनस एन टाइम ए बार यम टाइम बी बार माइनस एम टाइम आर बार इसको यहां पे लेके आइए यम टाइम आर बार प्लस एन टाइम आर बार इसको वहां पे लेके जाइए इसको यहां पे लेके जाइए इसको यहां पे लेके आइए तो सर ये हो गया यम टाइम बी बार प्लस एन टाइम ए बार नॉट टेक आर बार एज अ कॉमन यम प्लस एन यम टाइम बी बार प्लस एन टाइम ए बार देर फोर आर बार इज इक्वल टू यम टाइम बी बार एन टाइम ए बार डिवाइड बाई एम प्लस एन हैं Proof. क्या बेहतरीन और एकदम आसान एकदम आसान मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर ये आ जाए बोर्ड में तो एकदम इजी है सर एक ही बार में याद हो गया सर बस ये थोड़ा सा ये पोजिशन वैक्टर बताना है डिवाइड कर रहा है ए आर और आर बी वॉट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर ए से आर आर डिवाइड कर रहा है तो ए से आर आर से ध्यान में रखना है ए बी नहीं है ए टू आर ए बी के दो पार्ट हो गए सर एक ए आर पार्ट है और एक तो ए आर और आर बी का जो रेशियो बन रहा है वो क्या है यम इज टू एन ठीक है तो ये आपका इंटरनल खत्म हो गया बच्चों इसको फटाफट लिख लीजिए और फिर इसको स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल Start करें एक्सटर्नल सर देखिए स्टेटमेंट में क्या चेंजेस आएगा सर अब आप यहां पे लिखेंगे थेरम नंबर सिक्स इंटरनल के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा एक्सटर्नल आपको लगेगा कि कोई फर्क ही मतलब हल्का सा चेंजेस है आपको सिर्फ ध्यान रखना है ये रफ कर देता हूं पूरा मैं के जगह पे बस क्या करना है एक्सटर्नली वर्ड यूज करना है और ये प्लस के जगह पे आपको क्या कर देना है माइनस का इस्तेमाल करना है ये हो गया आपका थेरम नंबर सिक्स क्लियर है चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं सर अब यहां पे सेगमेंट ए बी पे आर क्या कर रहा है बाहर से डिवाइड कर रहा है मतलब ये सेगमेंट है सर ये हमारा ए है और ये बी आर आप इस तरफ भी ले सकते हो और उस तरफ भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है दोनों दो बाहर साइड में तो यहां पे मान लीजिए कि मेरा आर इधर है सर ये कहां से ए बी के अंदर नहीं है कहां है बाहर है तो इसका मतलब ये आर ए बी को कैसे दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो पहला पार्ट क्या बनाएगा सर पहला पार्ट ना ए से लेके आर तक बनाएगा बराबर है बट हमको पता है कि ये पार्ट तो है ही नहीं कौन सा पार्ट नहीं है ये वाला पार्ट अब यहां पे जैसे मैंने कहा जो आप ट्रायंगल हमेशा स्ट्रेट ऐसा बनाते हैं थोड़ा सा उसका उल्टा कर दीजिए उस ट्रायंगल को और ये सारे पॉइंट्स को इस ओ से ज्वाइन कर दीजिए ज्वाइंट किया आपने सर ये है ए बार ये है बी बार और ये है आर बार और इनका डायरेक्शन कैसे होगा अभी पहले यम वाले पार्ट को देखो यम वाला पार्ट कहां से कहां तक है ए से आर और दूसरा वाला पार्ट कहां से है बी से आर तो यहां पे ए से आर बी से आर कैसा डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन है सर स्टार्ट करते हैं पहले बता दीजिए ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार एंड ओ आर बार इज इक्वल टू आर बार ये विथ रेस्पेक्ट टू ओ आर डिवाइड सेगमेंट ए बी कैसे डिवाइड कर रहा है externally, in the ratio, M is इज टू बराबर है तो मेरा पार्ट कैसे बन रहा है ए बी के दो पार्ट कैसे बन रहे है? पहला सर ए आर बन रहा है और दूसरा बी आर इंटरनल में आपने देखा होगा आर बी होगा यहां पे सिर्फ क्या हो गया बी आर हो गया सर ये वाला पार्ट यम है और ये वाला पार्ट क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं एन ए आर इज इक्वल टू यम बी आर बस ये वाली चीज इंटरनल में आगे पीछे हो जाती है एक्सटर्नल में ऐसे हो जाती है सर अगेन अब इसके डायरेक्शन बताइए ए आर और बी आर का डायरेक्शन क्या है ये मैग्निट्यूड है इसका डायरेक्शन क्या है तो ए आर बार एंड बी आर बार हैविंग सेम डायरेक्शन और क्या इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है देखो यहां पे एन टाइम ए आर बार इज इक्वल टू एम टाइम बी बार सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सर अब इनको वेक्टर दे दीजिए एन टाइम ए आर बार एम टाइम बी आर बार सर लिखिए पोजीशन वेक्टर ए आर बार का पोजीशन वेक्टर है आर बार माइनस ए बार बी आर बार का पोजीशन वेक्टर है बार बार, बार बार, आर बार माइनस बी बार एन आर बार माइनस एन ए बार एम टाइम आर बार माइनस एम टाइम बी बार अब इस पार्ट को यहां पे लेके आइए और एन आर बार को वहां पे लेके जाइए तो ये यहां पे आके पॉजिटिव हो जाएगा एम टाइम बी बार माइनस एन टाइम ए बार वो वहां पे जाके निगेटिव हो जाएगा एन आर बार यम टाइम बी बार माइनस एन टाइम ए बार टेक आर बार आउटसाइड यम माइनस तो क्या आर बार इज इक्वल टू यम टाइम बी बार माइनस एन टाइम ए बार अपॉन एम माइनस एन लिख सकते हैं यस सर हैंस प्रूफ इंटरनल और एक्सटर्नल में बस यही फर्क है सर इंटरनल में आर बी होगा क्योंकि आर अंदर होगा और एक्सटर्नल में आर बाहर होगा इसलिए आरबी का बी आर हो गया ध्यान में रखना बहुत ही इजी टू रिमेंबर फटाफट इसको कॉपी करिए Okay, we'll go for the theorem numbers. Seven. थेरम नंबर सेवन ये एक डेरिवेशन uh, है या डिराइव बोल सकते हो या हम फॉर्मूला कैसे आया वो बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको जो बोर्ड एग्जाम में इस तरह से देगा प्रूफ दैट प्रूफ दैट वॉल्यूम ऑफ पैरलोपाइप विथ कोटर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार विथ को टर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार ये डिराइव करिए कि वैल्यूबा पैरलो पाइप क्या होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी ये एप्लीकेशन है आपने यूज किया हुआ है इसके बेस पे प्रॉब्लम भी सॉल्व किए अब हम डिराइव कर रहे हैं प्रूफ देखिए तो एक पैरलो पाइप बनाते यहां पे हम लोग इस तरह से ये मान लीजिए ये पैरलो पाइप यहां पे ये यह है और ये जो है मेरा बेस है क्या है ये सर ये है बेस और यहां पे एक फिक्स पॉइंट ओ है यहां से तीन वेक्टर जा रहा है सर ये ए बार है ये बी बार है और ये सी बार है ये है मेरा बेस एरिया ऑफ वेक्टर और ये कैसा है पैरलोग्राम तो इसको बोलेंगे बेस एरिया वेक्टर बेस एरिया ऑफ पैरलोलोग्राम ऐसा बोलिए वेक्टर बेस एरिया ऑफ पैरलोग्राम वेक्टर बेस एरिया ऑफ पैरलोग्राम तो इस पैरलोग्राम पे दो वेक्टर एक बी बार है सी बार अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एरिया क्या है तो वेक्टर बेस एरिया ऑफ क्या होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस बी बार यानी अगर पैरलोग्राम है और उसके दो एडजस्ट वेक्टर दिए हुए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ही उनका एरिया है यह है वेक्टर बेस एरिया ऑफ पैरलोग्राम ठीक है अब इस पैरेलोग्राफ का बेस हो गया अब यहां से एक हाइट हम लेंगे सर इसको नाम दे दीजिए ए पॉइंट इसको दीजिए बी और ये सी ये मेरे तीन को टर्मिनस है जैसे यहां से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे यहां से हम एक हाइट ड्रॉ करेंगे इस बेस पे इस पी बार को यहां पे हटा के यहां पे लिख देता हूं हाँ सर अब हाइट आप ड्रॉ करिए देखिए ये हाइट हो गई ये हाइट हो गई है इस इस पॉइंट जो बेस पे पॉइंट है उसको नाम दे देते थे हैं एपी तो ये क्या है सर, ये है हाइट यहां से आपने बेस पे एक हाइट तैयार की है और एक कंस्ट्रक्शन करेंगे ये बी बार और सी बार इस हाइट के ठीक पैरेलल ये हाइट कैसी है परपेडिकुलर है अगर मैं बोलूं क्या ये हाइट बी बार और सी बार दोनों पे परपेंडिकुलर है ठीक है तो ये हाइट के ठीक पैरल यहां से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये भी वेक्टर क्या है इसको परपेंडिकुलर है किसको परपेंडिकुलर है बी बार और सी बार को तो ये कौन सी वेक्टर है जो बी बार और सी बार को परपेंडिकुलर है सर वो हमारी क्रॉस वेक्टर होती है कौन सी होती है ऐसा कौन सा वेक्टर है जो दो वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है सर क्रॉस प्रोडक्ट सर तो अब ध्यान से देखना ये जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट का और ये पी क्या दोनों पैरल है सर कैसे दोनों ही परपेंडिकुलर है सर बराबर है ये इसको परपेंडिकुलर सर पैरल है सर अब कंस्ट्रक्शन आपने डायग्राम बना दिया बस आपने ये बताना है लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार आर को टर्मिनस हा एजेस ऑफ पैरलेलो पाइप ये आपने बताना है नाउ व्हाट इज द जोमेट्रिकल फॉर्मूला ऑफ वैल्यूमा पैरलेलो पाइप सर जोमेट्रिकल फॉर्मूला क्या होता है ऑफ पैरेलल पाइप तो ए वेक्टर बेस एरिया ऑफ पैरलोग्राम क्या पैरलोलोग्राम ओ बी एक सी इधर तो एक चाहिए तो नाम दे दीजिए डी वेक्टर बेस एरिया ऑफ पैरलोग्राम सर वो पैरलोग्राम क्या है क्वाड्रिलेटरल चाहे ऐसे स्टार्ट करे या ऐसे ओ बी डी सी इनटू हाइट ठीक है सर व्हाट इज द वेक्टर बेस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सर ऑलरेडी आपने यहां पे डायग्राम पे लिख के रखा हुआ है तो ये होता है बी बार क्रॉस सी बार हाइट क्या है एपी तो यहां पे आप एक ये भी बता दीजिए Uh, Now, यहां पे आप मेंशन कर दीजिए व्हाट इज द एपी एपी इज द हाइट ऑफ पैरलो पाइप या हाइट लिख दीजिए एपी क्या है हाइट तो यहां पे इनटू क्या हो जाएगा सर ये है मेरा वॉल्यूम ऑफ पैरलो पाइप्ड विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार इन टू ए पी इसको इक्वेशन बस आपने क्या करना हाइट निकालनी है अब हाइट कैसे निकलेगा सर तो ये ध्यान से देखो मैं यहां एक छोटा सा ये ये कर रहा हूं सर ये क्या है ए बार है और ये क्या है पी है जो ये परपेंडिकुलर है बेस पे क्लियर है और यहां पे सर आपने क्या किया है बी बार क्रॉस सी बार किया यस और नो ध्यान से समझ रहा चीजों को सर मान लीजिए कि मैंने यहां पे एंगल लिया है थीटा क्या लिया गया? थीटा लिया और मैं क्या बोल रहा हूं कि सर ये ए बार का ना ए बार का प्रोजेक्शन ए बार का प्रोजेक्शन हो रहा है आ, यहां पे एपी पे तो एपी पे क्या हो रहा है ए बार का शेडो बन रहा है अगर मैं इसको थीटा बालू अगर एपी बार का इस पर प्रोजेक्शन हो रहा है सर तो ये एंगल बनेगा तो बता सकते हो कॉस थीटा क्या आएगा सर कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एडजेसेंट क्या है एपी है हाइपोटेनियस क्या है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा सर लेंथ ना हाँ अब सर क्या मैं ए पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए बार थीटा लिख सकता हूं अगर मैं मैग्नीट्यूड ए बार यहां पे मैग्नीट्यूड बी बार क्रॉस सी बार से मल्टीप्लाई करूं और मैग्नीट्यूड बी बार क्रॉस सी बार से डिवाइड करूं तो सर ये तो ए पी हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन क्या ये बात मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि क्या यह मैंने फॉर्मूले से निकाला हा या ना आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं सर आपका एपी क्या है एपी है प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार सर यहां देखिए आपने ऐसे बताया कि ये वाली लाइन को यहां लेके और आप बताओ कि यहां पे शेडो बन रहा है किस पे शेडो बन रहा है एपी पे प्रोजेक्शन मतलब शेडो तो एपी क्या है सर ए बार की जो परछाई है ऑन बी बार क्रॉस सी बार पे बन रही है तो व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस स्केलर प्रोजेक्शन लिखिए तो सर ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार मतलब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार सर ये हो गया ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ये सिर्फ समझाने के लिए था ये आपको लिखना नहीं है वल्ली वल्लीफॉर की कैसे सर ये कैसे ए बार का प्रोजेक्शन तो यहां से ऐसे पता चला तो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार ये लीजिए सर मेरा हाइट आ गया इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दीजिए टू सर ये ए पी और बी बार क्रॉस सी बार है तो आप इसको भी बी बार क्रॉस सी बार समझ सकते हैं हाँ तो इसका मतलब ए बार का प्रोजेक्शन हो रहा है ये डायग्राम ऐसा है इसलिए आपको समझ भी नहीं आ रहा अगर यही डायग्राम मैं ऐसा बना दू ये ओ से ऐसे सर इधर आप कर दीजिए ए इधर कर दीजिए पी और ये ऐसे थोड़ा सा मैंने इसको गिरा दिया है हा तो अब ये थीटा हो गया अब इसका शेडो कहां पे बनेगा इधर लाइट डाला तो क्या यहां पे शेडो बनेगा हाँ या ना ये कौन है सर ये ए बार है ये कौन है हाँ अब आपको क्या ए पी मिल गया है फ्रॉम वन फ्रॉम वन वट इज द वैल्यूम ऑफ पैरले पाइप सर वैल्यूम ऑफ पैरलो पाइप इज मैग्नीट्यूड बी बार क्रॉस सी बार इंटू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बी बार क्रॉस सर ये कट गया ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार सर ये डॉट और क्रॉस को क्या कहते हैं स्केलार बॉक्स प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट और क्रॉस आया तो आप उसको बॉक्स प्रोडक्ट में ऐसा लिख सकते है? क्या ए बार बी बार सी बार ये लीजिए क्या यही प्रूफ करना था वैल्यू ऑफ पैरलो क्वल टू बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार और सर इसको तीन मार्क्स के लिए अगर इसको मुझे मार्क करना है तो मैं क्या करूंगा आई विल अटैच वन प्रॉब्लम एक मार्क का प्रॉब्लम मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा और आपको बोलूंगा आल्सो फाइंड द ऑफ पैरेलल पाइप ए बार बी बार सी बार तीन वैक्टर आपको मैं दे दूंगा देखिए बहुत ईजी कुछ भी नहीं है ए पी याद रखना स्केलर प्रोजेक्शन यहां पे मैंने समझाने की कोशिश की है ये है एंगल ये है प्रोजेक्शन का एंगल तो ये इसको ऐसे टर्न करके गिरा दीजिए तो आपको लगेगा ए पी और यहां से ऐसे रोशनी पड़ रही है ना ये ऐसा है ये ए बार है और ये हाइट है अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो यहां पे जब लाइट डालोगे आप तो उसका शेडो कहाँ बनेगा सर यहीं पे बनेगा वही तो आप निकाल रहे हो चलिए फटाफट फ़ड़ लिखिए और अगला एक लास्ट थेरम उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन भी सिखा दूंगा तीन एप्लीकेशन है और खत्म हो जाएगा हो गया कॉपी चलिए नेक्स्ट करते हैं थेरम नंबर एट सर तो ये लास्ट थेरम है वेक्टर का उसके बाद तीन एप्लीकेशन है उन्हें भी एज ए हम थेरम करके ही सॉल्व कर लेते हैं सर यहां पे प्रूफ दैट वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन विद विथ को टर्मिनस एजेस ए बार बी बार सी बार इज वन बाय सिक्स बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार सर ये प्रूफ करना है या ये डिराइव करना है ठीक है तो यहां पे एक टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं टेट्राहेड्रॉन मतलब कितने एजेस होंगे चार ऐसे तीन ये देखिए इस तरह से कुछ बनेगा सर तो पे एक और इसका बेस जो होगा ऐसे ट्रैंगल्स शेप का होगा होगा ऐसे ट्राइंगल्स शेप का होगा ये ये है, है टेट्राहेड्रॉन और ये इसका क्या हो गया सर ये बेस हो गया बेस कैसा है ट्रायंगल शेप है तो हम इसको बोल सकते हैं सर ये वेक्टर एरिया ऑफ बेस ट्रैंगल अब यहां पे मान लीजिए मेरा एक फिक्स पॉइंट है ओ यहां से ये ए है ये बी है इसके चार चारटाइसेज होते हैं एक को फिक्स ओ कर दिया ए बी और ये क्या हो गया सी ए बी और सी ये को टर्मिनस है जैसे सर ये क्या हो गया ए बार ये क्या हो गया बी बार और ये क्या हो गया अच्छा व्हाट इज द वेक्टर एरिया ऑफ बेस ट्रेंगल बता सकते हो अगर मेरा ट्रेंगल शेप में है तो उसका वेक्टर एरिया क्या होगा सर आपने बताया था यहां से दो वेक्टर जा रहा है एक बी बार और एक सी बार तो हाफ इंटू बी बार क्रॉस सी बार हां ऐसे ये एक वेक्टर है और ये दूसरा है. तो हाफ क्योंकि ट्रायंगल है और इनका ये वेक्टर एरिया बेस ट्रायंगल हो गया कंस्ट्रक्शन करते हैं सर यहां से ऐसे एक हाइट ड्रॉ करते हैं इस बेस पे ये देखिए यहां पे मैंने एक हाइट ड्रॉ की इस पॉइंट को क्या नाम देते थे बी सर ये क्या ड्रॉ किया आपने हाइट इस टेट्राहेड्रॉन का ये हाइट है स्टार्ट करते हैं लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार आर को टर्मिनस एजेस ऑफ किस टेट्राहेड्रॉन आर को टर्मिनस एजेस ऑफ टेट्रा हेड्रॉन ठीक है एंड व्हाट इज द एपी ड्रॉ एपी एपी क्या है हाइट ऑफ ट्रा हेड्रॉन हाँ सर अब इसकी जेबेट्रिकल फॉर्मूला क्या है व्हाट इज द जेबेट्रिकल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ टेट्राइड्रॉन सर जोमेट्रिकल फॉर्मूला है वन बाय थ्री इंटू वैक्टर एरिया ऑफ बेस ट्रैंगल ओ बी सी इन टू हाइट बराबर है इसको जरा मैं यहां पे लिख देता हूं हाफ बी बार क्रॉस सर इसको ऐसा लिखिए वन बाय थ्री वट इज द वेक्टर एरिया बेस ऑफ ट्रेंगल हाफ बी बार क्रॉस सी बार इनटू ए पी क्या ये वन बाय सिक्स बी बार क्रॉस सी बार ए एपी हो गया सर इसको इक्वेशन वन दीजिए ये आ गया मेरा जोमेट्रिकल फॉर्मूला वैल्यूम ऑफ टेट्रा हेड्रॉन अब मुझे हाइट निकालनी है सर फिर से वही बात यहां पे अगर मैं कंस्ट्रक्शन करूं एक एपी के ठीक पैरल यहां से ओ से ऐसे एक ड्रॉ करूं क्या मुझे बता सकते हो क्या होगा सर ये होगा बी बार क्रॉस क्या ये ए पी हाइट के पैरल है मतलब अब आप क्या करने वाले हो फिर से वही बताने वाले हो सर ये मेरा ए बार है यहां से मेरा ए पी हाइट है ये एंगल बनेगा तो ए बार का प्रोजेक्शन किस पे हो रहा है एपी क्या है एपी इज द प्रोजेक्शन स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार क्या ये बी बार क्रॉस सी बार कैसे सर ये देखिए ये आपने यहां पे लिखा ना ना ये तो ये यहां वहां शिफ्ट हो सकता कि नहीं हाँ सर आराम से आप इसको शिफ्ट कर सकते हो ये एपी को आप बी बार क्रॉस सी बार ही समझे पैरल है तो बताइए एपी के बारे में क्या लिखू मैं सर एपी के बारे में लिखिए स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन हाँ तो सर इसका फॉर्मूला क्या हो गया स्केलर प्रोजेक्शन का ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार जिस पे प्रोजेक्शन होता है उसका मैग्नेट बी बार क्रॉस सी बार पे हो रहा है सर ये मुझे क्या मिल गया क्या है ये सर ये आपको हाइट मिल गया जो आपको चाहिए तो फ्रॉम वन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज इक्वल टू वन बाय सिक्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस सी बार इनटू हाइट क्या सर ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बी बार क्रॉस सी बार क्या ये कट गया सर वन बाय सिक्स यहां पे है ए बार डॉट बी बार क्रॉस सर इसे क्या कहते हैं इसे स्केला ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं सर क्या कहते हैं जिसे हम बॉक्स प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं कैसे ए बार बी बार सी बार हैंस प्रूफ सर सारे थेरम आपने क्या किए कंप्लीट कर दिए वैक्टर के थेरम आई होप स्टूडेंट यू आर लाइक ऑल द थेरम बहुत ईजी है कुछ भी नहीं है जितना आसान हो सकता है उतने आसान भाषा में मैंने आपको सिखायास और नो अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट इज गुड मजा आ गया फिर तो चलिए इसको भी कॉपी करिए के okay, स्टूडेंट्स आज के लिए इडफ करते हैं आज आपने आठ थेरम कर दिए हैं अब आपके सिर्फ तीन एप्लीकेशन बाकी हैं दिस एप्लीकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में क्या है मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्क्रेंट मीडियन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आर कॉन्क्रेंट मीडियन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ट्रैंगल्स आर कॉन्क्रेंट ये तीनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों में से मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर आप पांच साल के पेपर देखें ना तीन में से तीनों में से एक ना एक पूछा रहेगा बहुत ईजी है अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन तीनों एप्लीकेशन को कवर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा थेरप्स हो गए तो उनको भी कवर करेंगे थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ द लेक्चर